प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के महान नाम में इस बाइबल अध्ययन में फिर एक बार आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आशा करता हूँ इन दिनों के बाइबल अध्ययन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे रहा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि छठवां दिन की यीशु मसीह की सेवकाई, अंतिम सप्ताह के छठवां दिन की सेवकाई, अर्थात छठवां दिन यीशु के साथ, अर्थात शुक्रवार के दिन यीशु के साथ क्या हुआ। हमने देखा है गतसमना बाटिया से अरेस्ट होने के बाद प्रभु ने हन्ना महायाजक के पास न्याय के लिए खड़ा कर दिया। उसके बाद कैफा ने यीशु का न्याय किया रात्रि में। एकदम सवेरे न्यायी लोग सनद्रिन संघ महासभा यीशु का न्याय किया, और उसके बाद पिलातुस ने यीशु का न्याय किया, और पिलातुस ने यीशु को हेरोदेस राजा के हाथ में सौंपा। हेरोदेस राजा ने भी उस दिन यीशु का न्याय किया। ये पांच न्याय के बारे में लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया है। हमें ये पांच न्याय में यीशु में कोई भी दोष, मृत्यु दंड देने लायक कोई भी दोष यीशु में पाया नहीं गया। इस कारण यहूदी लोग क्रोधित होकर यीशु को अंतिम न्याय दिलाने के लिए फिर से पिलातुस रोमन गवर्नर के पास में लेकर गया। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करना चाहते हैं यीशु मसीह का लास्ट ट्रायल, अंतिम न्याय। अंतिम न्याय में पिलातुस के पास यीशु को लेकर के गया। आपको मालूम है पिलातुस एक बार ऑलरेडी न्याय कर चुका है, सनेद्रिन संघ न्याय कर चुका है, हेरोदेस और कैफा और हन्ना महायाजकों ने भी न्याय किया। कहीं भी यीशु का एक भी गलती साबित नहीं हुआ है। यहूदियों के नियम के अनुसार जब तक मुजरिम का गलती अदालत में साबित नहीं होता तब तक उनको दंड नहीं दे सकता। ये दुनिया के कानून है। लेकिन कैसे भी करके यीशु को दोषी ठहराने का पूरा परिश्रम करते हुए यहूदियों ने यीशु मसीह को पिलातुस के पास दोबारा लाया। लेकिन पिलातुस को मालूम है यीशु निर्दोष, इसलिए पिलातुस यीशु को रिलीज करने का पूरा प्लान किया। उसका अधिकार का उपयोग करके यीशु को रिलीज करने का प्लान किया। प्रियो, पिलातुस ने बोला कि पर्व के दिन में एक कैदी को आजाद करना यहूदियों की रीति है। और ये वचन जो है हम लुका सुसमाचार में 23 उसका 18 वचन में देख सकते हैं। इसलिए पिलातुस कहता है कि अपने जेल में बरबा नाम एक खूनी पड़ा हुआ है, वो इस समय उनको हम आपके हाथ में सौंप देंगे ताकि उनको तुम सुलीब पर चढ़ाओ और यीशु मसीह बिना दोष, कोई दोष साबित नहीं हुआ, निर्दोष यीशु को पिलातुस आजाद करना चाहता है। लेकिन क्रोधित यहूदी लोग महायाजक मानने को खाली नहीं है। वे लोग कहते हैं कि उस मर्डर बरबा को आजाद कर दो, निर्दोष यीशु को सुलीब पर चढ़ा। प्रियो, आज भी हम देखते हैं हमें जो व्यक्ति सही है, जो व्यक्ति निर्दोष है, जो व्यक्ति खुदा के महिमा करते हैं, केवल उसी के ऊपर ही आज का दुनिया दोष लगाते हैं। मुजरिम, गुंडे और मर्डर ऐसे लोग इस दुनिया में खुलेआम घूमते हैं। दुनिया ऐसे लोगों को पसंद करता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर का सही विश्वासी है आपके ऊपर दोष लगाया जाता है, लेकिन याद रखिए आपके कोई भी दोष साबित होने प्रभु नहीं देता। यहां पर हम देखते हैं जो लोगों ने मना कर दिया यीशु मसीह को सुली पर चढ़ा, और पिलातुस बार बार पूछता है। पूरा वचन निकाल कर पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त कम है। पूछता है यीशु का दोष क्या है, और लोग चिल्लाते हैं उसको सुली पर चढ़ाओ। यीशु का दोष क्या है, लोग बोलते हैं उसको सुली पर चढ़ाओ। पिलातुस के सेवा काल के बाद लगभग एडी 26 से लेकर के
एडी 36 तक रोमन गवर्नर पिलातुस फलस्तीन देश में राज किया, और उसके राजकाल के बाद उनको रोम में कैसर ने उनको वापस बुलाया। कारण यहूदी लोग बार बार पिलातुस के विरुद्ध में रोमन कैसर को कंप्लेन करते थे, शिकायत करते थे, इसलिए पिलातुस को वापस बुलाया। उनके राजकाल में फलस्तीन देश में क्या क्या हुआ है, इन बातों को पिलातुस एक लेटर के रूप में लिख करके रोमन कैसर के सामने समक्षता में पेश किया। उस लेटर आज भी सेंट सोफिया चर्च में तुर्किस्तान में आज भी रखा हुआ है। उस लेटर के अंदर में पिलातुस ने उनके जीवन काल में फलस्तीन देश में क्या क्या हुआ है उसमें यीशु के बारे में भी उन्होंने विस्तार में लिखा है। इसके पहले भी यीशु को पिलातुस ने बुला करके उसको एडवाइस दिया। ये बाइबल में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन पिलातुस के लेटर में उसका वर्णन दिया गया है। और पिलातुस ने एक बार यहूदी लोग यीशु के विरुद्ध में कंप्लेन करने के कारण पिलातुस यीशु को बुलाया और उनको एडवाइस देने के लिए, उनको डांटने के लिए। जब यीशु उनके प्रिटोरियम में चले आए तब पिलातुस सोचा कि मैं उसको डांटूंगा, उसको दंडित करूंगा, लेकिन यीशु की उपस्थिति पिलातुस के जीवन को परिवर्तित कर दिया और पिलातुस यीशु के विरुद्ध में कुछ भी नहीं पाया, बोल पाया। और यीशु ने पिलातुस ने यीशु को बताया कि तुम जानते हो यहूदी लोग तुम्हारे विरुद्ध में है, वो तुम्हारे विरुद्ध में कंप्लेन करते हैं, इसलिए यीशु पिलातुस बोलते मैं तुम्हें हुक्म नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हारा जो सेवा, तुम्हारा जो प्रचार जो है थोड़ा नरम करो, क्योंकि यहूदी लोग तुम्हारे विरुद्ध में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। रोमन अधिकारी यीशु को बुला करके उनको रिक्वेस्ट करके कहते, आखिर में पिलातुस ने बताया है मैं रोमन अधिकारी हूँ, मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर में अर्थात फलस्तीन देश में तो कहीं भी प्रचार कर सकते हो, ऐसा उनको अनुमति देकर यीशु को। इन सारी बातें यहूदियों के जीवन में बहुत टेंशन की बात बन गई, उनको ज़्यादा चिढ़ आ गया यीशु और पिलातुस के ऊपर। इसलिए अंतिम समय कैसे भी करके यीशु को दंड दिलाने के लिए, मृत्यु दंड दिलाने के लिए यहूदी लोग पूरा प्रयास किया। और पिलातुस यीशु को, यीशु के बारे में वो लेटर में लिखा है, ऐसा लिखा है, यीशु को पिलातुस ने जब न्याय किया, यहूदी लोग इतनी भारी संख्या में पिलातुस के प्रिटोरियम के सामने जमा हुआ और वे सब चिल्लाते थे, वे कहते थे कि क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, उसे सुलीब पर चढ़ाओ, सुलीब पर चढ़ाओ। इस प्रकार क्रोधित लोग अधिक मात्रा में पिलातुस के प्रिटोरियम में आए और लोग उनके बालकनी में चढ़ गए हैं। सो लोगों के वेट ज्यादा होने के कारण पिलातुस की बालकनी टूट कर गिरी। ये सब कुछ पिलातुस अपने लेटर में लिखा है। पिलातुस ये भी बताया है, उस दिन मुझे पता चला है, मुझे ऐसा लगा है समस्त दुनिया के भूत प्रेत पिशाच सब कुछ मेरे प्रिटोरियम के सामने जमा हो, ऐसा मुझे फील हुआ है। इतना माहौल खराब था, माहौल गर्म था यीशु के न्याय के समय में, क्रोधित यहूदी लोग इस प्रकार चिल्ला रहे थे। तो पिलातुस ने सोचा कि क्रोधित यहूदियों को थोड़ा शांत करने के लिए मैं यीशु पर कोड़े लगवाता, मुजरिम के ऊपर कोड़े लगवाना उनके कस्टमरी है, उनकी रीति है। पिलातुस सोचा कि मैं इसके ऊपर में कोड़े लगाऊंगा, आपको मालूम है कोड़े लगवाना एक अलग विधि है। सो पिलातुस यीशु को कोड़े लगवाने के लिए सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया। जिस मुजरिम के ऊपर कोड़े लगवाते हैं उनको एक खंबे के साथ झुका कर बांध के रखते हैं, उनका नॉर्मल वस्त्र को उतार देते हैं और झुकाकर बांध के रखते हैं और उनके ऊपर में कोड़े लगवाते हैं। कई लोग कोड़े खाते खाते स्पॉट में मर जाता है। कोड़े एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मुजरिमों को मारने के लिए तैयार किया गया है। एक हैंडल के ऊपर में 10 डोरियां, लेदर की डोरियां बांध दी जाती है। उस एक एक डोरी के सिरे पर लोहा हुक और हड्डी जैसे चीज को बांधा हुआ है।
जब सिपाही इसको खींच कर मारते हैं, वो जो डोरी उस व्यक्ति के शरीर को लिपट जाता है और उसके सिरे के लोहा शरीर में घुस जाता है, और जब सिपाही उसको पीछे खींचते हैं सो शरीर के उस स्थान के उतना मांस को निकाल करके जो कोड़े बाहर निकलते हैं। सो इस प्रकार कोड़े लगा 12 स्ट्रिंग्स एक कोड़े के ऊपर पाया जाता है। एक बार मारे तो 12 जगह घायल हो जाता है, 12 जगह में से मांस टुकड़े में निकल कर आता है और यीशु का शरीर पूरा जो घायल हो गया है। जैसे भविष्यवक्ता कहता है जैसे कोई जमीन पर हल चलाता है उसी प्रकार यीशु का शरीर पीट हो गया है, और एक ही जगह पर मार खाने के कारण उसका जो जख्म इतना डीप हो गया है और उनका खून पूरा बाहर निकलना शुरू हो गया। इस प्रकार यीशु के ऊपर में कोड़े लगवाया गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु के ऊपर में कोड़ा क्यों लगवाया गया। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलता है तुम्हारे चंगाई के लिए उस पर कोड़े लगवाए गए, उस पर ताड़ना पड़ा है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में चंगाई प्रदान करने हेतु यीशु पर कोड़े लगवाया गया है। आज हम देखते हैं आज की परिस्थिति में हम इन बड़े बीमारी का भय समस्त दुनिया में छा गया है। लोग भय डर के साथ, भय के साथ, मृत्यु के भय के साथ पाए जाते हैं, अपने आप को आमीन कमरे के अंदर में बंद रखते हैं। आमीन मेडिसिन ना होने के कारण आमीन लोग परेशान है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी महामारी आज फैल रहे हैं। प्रियो, यीशु पर विश्वास रखने वाले मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई मेडिसिन तुम्हारे ऊपर में सफलता नहीं, तुम्हें सफलता नहीं देगी। आमीन कोई भी साइंस आपको बचा नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर 2000 साल पूर्व पिलातुस के प्रिटोरियम के अंदर के कमरे में जब उन पर कोड़े लगवाया है, वचन कहता है तुम्हारी चंगाई के लिए उस पर तड़ना पड़ा। मैं कहता हूँ जितने लोग मेरे आवाज सुनते हैं, अगर आप बीमार है, अगर आप बीमारी के डर में है, चिंता ना करें, तुम्हारे लिए चंगाई का प्रबंध मेरे यीशु ने खोड़ा खाते हुए कर दिया है। और व्यवस्था और उनके पुस्तक में 25वां अध्याय में 3रा वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसराइलियों का नियम है एक मुजरिम के ऊपर में 40 बार कोड़े लगवा सकते, उसके ज्यादा नहीं लगा सकते। सो मैं विश्वास करता हूँ यहूदियों को तृप्त करने हेतु आमीन यहूदियों के नियम के अनुसार पिलातुस ने यीशु पर कोड़े लगवाया, अर्थात आमीन कोड़े 40 बार लगा सकता है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के ऊपर 39 बार कोड़े लगाए। कारण क्या है? 40 पूरा अगर लगा दिया है तो फिर उनको मारने के लिए आदेश नहीं, इसलिए कोड़े लगाने वाले गिन गिन के कोड़े लगवाते हैं, 1, 2, 3 बोल करके 39 मारते हैं, वहां पर स्टॉप कर देते हैं ताकि आगे 40 अगर बोल दिया है तो फिर मारने की आदेश नहीं, इसलिए 39 मारने के बाद और मारना है तो फिर एक से शुरू करते हैं। सो कम से कम 39 बार यीशु के ऊपर में कोड़े लगवाए। आपको मालूम है पूरा शरीर आमीन कोड़े से घायल किया गया है, शरीर के मांस टुकड़े में बट गया है, हड्डियां दिखाई दिया है। मैं विश्वास करता हूं लेकिन पैसा के मेमने के हड्डी ना तोड़ना नरगमन में आदेश दिया गया, इसलिए यीशु मसीह की एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। भजन संहिता 22 में बताया है उसकी हड्डियां तोड़ी नहीं जाएगी। इसलिए यीशु के शरीर में इतने बड़े बड़े घायल करने के बाद यीशु को एक कांटों का मुकुट पहना करके उसने उसका रिडिकुल करके मजाक उड़ाए, और उसके बाद यहूदियों के सामने लहूलुहान यीशु को आमीन पिलातुस ने पेश किया, तभी भी यहूदियों का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे चिल्लाते थे इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। आखिरी में हालेलुया पिलातुस बड़े टेंशन में आ गया, ये सब कुछ होने के बाद भी यीशु को रिहा करना नहीं पा रहे, यहूदी लोग छोड़ते नहीं। उतने में एक संदेशवाहक पिलातुस के पास आए, बोलते हैं तुम्हारी पत्नी ने संदेश भेजा है
पिलातुस की पत्नी ने पिलातुस को संदेश भेजा है, वो ये है आज रात मैं यीशु मसीह के प्रति स्वप्न में सताया गया है। पता चला है यीशु एक धर्मी पुरुष है, उसके विषय में तो हस्तक्षेप नहीं करना। अभी 6 न्याय कोर्ट न्याय किया, यीशु पर कोई दोष नहीं मिला। अभी पिलातुस की पत्नी संदेश भेज रही है, कहती है यीशु धर्मी पुरुष है, कोई गलत नहीं किया, उसके ऊपर तुम कुछ ना करना। यीशु को पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोत बोलता है मैं निर्दोष व्यक्ति को आमीन पकड़वाया है। सारे सबूत ये कहते यीशु पवित्र है, निर्दोष है, निष्पाप है। इस पवित्र निर्दोष निष्पाप व्यक्ति को इस प्रकार सजा क्यों देता है? मैं आपको बताना चाहता हूं इस मेमना परमेश्वर की मेमना आपके लिए काटा जाता है। यशायाह नबी के पुस्तक 53:10 में परमेश्वर कहता है, भविष्यवाणी कहती है कि यहोवा को ये भाया कि उसके पुत्र को कुचले। हालेलुया, एक निष्पाप निर्दोष व्यक्ति के पवित्र खून बहाया जाने के कारण समस्त दुनिया के पापियों का पाप से उनको छुटकारा मिल सकता है। इसलिए न्याय कोर्ट के द्वारा दुनिया के समक्षता में यह प्रस्तुत किया है यीशु निर्दोष निष्पाप है। इस निष्पाप व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को कोई भी दोष नहीं किया, इस व्यक्ति को मृत्यु दंड क्यों सुनाता है पिलातुस? इसलिए कि निर्दोष व्यक्ति के मृत्यु और लोहू के द्वारा ही मेरे और आपका उद्धार हो सकता है। यहूदियों से डर के मारे पिलातुस पानी से अपने हाथ धोया, बोला है इस निर्दोष व्यक्ति के विषय में मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे राजा है, तुम ले जाओ, तुम सुली पर चढ़ाओ, लेकिन मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार बोल करके हाथ धोकर पिलातुस पीछे हट गया और यीशु मसीह को यहूदियों के हाथ में जो सुली पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। और यीशु मसीह की सुली के मृत्यु के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा।